लोकसभा चुनाव से पहले किसानों और सरकार के बीच आर पार की जंग छिड़ी हुई है। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान सहित कई राज्यों से दिल्ली कूच कर रहे हैं। आंदोलन को चलो दिल्ली मार्च नाम दिया गया है। दिल्ली कूच के लिए निकलने किसान पंजाब, हरियाणा, शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में घुसने के लिए किसान अड़े हुए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से सभी सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई है। आंसू गैस के साथ भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली से सटे हरियाणा, पंजाब और यूपी के बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर कटीले तार, सीमेंट के बैरिकेड लगाए गए हैं और किसान मार्च को देखते हुए दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है। मोदी सरकार नहीं चाहती कि इस बार भी पहले की तरह किसान बड़ा आंदोलन करें, क्योंकि कुछ दिनों के बाद लोकसभा चुनाव होना है। इसलिए किसानों के दिल्ली घेराव को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब से लगने वाले सिंघू बॉर्डर पर कटीले तार लगा दिए गए हैं। सड़कों पर सीमेंट के बैरिकेड लगाए गए हैं। दिल्ली में गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस ने तैयारी कर दी है, ताकि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके। पुलिस ने इस बार सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी और लाउड स्पीकर भी लगवाए हैं। का जो है साथ लेना है, सरकार जो है परेशान करने के चक्कर में है। हमारी तरफ से लोगों को कोई परेशान करना ना होए, इसके लिए हम एक साइड में जो है लंबी लाइनें लगा कर रखी हैं, पूरी तैयारी करके रखी हुई हैं, और आगे जब भी मीटिंग करके निकलते हैं तो जैसे ही आदेश मिलेगा फिर सभी लोग आगे को मार्च करेंगे। आगे क्या होता फिर देखा जाएगा। चलो अगर टाइम देते हैं, जैसे पहले भी मीटिंगें हुई हैं, तो टाइम तो कभी भी हम बात पे जाने के लिए कभी मना नहीं करते, बात हमेशा ही, क्योंकि फिर हमारे को उल्टा जो है अल्जाम लगाएंगे कि बात करने के लिए नहीं आते हैं, हम तो चाहते थे यहाँ सोल्यूशन हो जाए। बात तो जितनी दफा भी बोलते हैं हम वहाँ जाते हैं, अभी भी जब भी बुलाएंगे वहाँ ही रोक करके बनाएंगे। अगर नहीं हमारा जोर देखना चाहते हैं तो भाई फिर पहले भी बहुत दफा जोर देखा गया है, अभी भी देखेंगे तो देख लें। फिर लोगों का भी नुकसान है, सरकार का नुकसान तो लोगों का नुकसान है ना, जनता का नुकसान। पीछे नहीं हटेंगे जी। हाँ, किसान तो नहीं पीछे हटेंगे, क्यों नहीं हटेंगे, किसान का कोई अनख का मामला नहीं है। किसान मरता क्या नहीं करता, उसकी मजबूरी है, जब कोई देना नहीं चाहते हैं। लंबा समय 3 साल हो गया, जो जो मांगे मांगी थी उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो अभी क्या करेंगे, इसके अलावा कुछ और चारा भी तो नहीं है ना। कितना लंबा कितने समय तक एजिटेशन चलेगा? हाँ नहीं, एजिटेशन तो बहुत लंबा चलेगा, एजिटेशन तो लंबा चलेगा कि 6-6 महीने का राशन पानी सभी गाड़ियों में है, और ऐसे प्रबंध किए गए हैं जो पहले हमने अभी तक गुप्त रखे थे कि हर गांव का जो है 2-2 ट्राली, 4-4 ट्राली है, उसमें राशन पानी हर गांव का अलग अलग है, चूल्हा चौंका उसका, गैस सिलेंडर, बालन, सब कुछ जो है, तवा परात अलग अलग लेकर के आए हैं, कि ये ना हो कि हम एक जगह बड़ा लंगर चला के वहाँ इकट्ठे हुए। हर ट्राली के पास पास में 2-2 ट्रालियों के बीच में ये सब प्रबंध करके रखे हैं। जितना भी देरी सरकार चलाना चाहती है ये उतना देरी आंदोलन चलेगा भी ये सरकार। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शंभू बॉर्डर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें शंभू बॉर्डर से, जहां शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने दागे हैं आंसू गैस के गोले। किसानों को रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शंभू बॉर्डर से, जहां पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। किसानों को रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं पुलिस द्वारा। ये तस्वीरों में देख सकते हैं किसान बचते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई है, पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया है और दिल्ली कूच पर किसान अड़े हुए हैं, जिनको रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागे गए हैं शंभू बॉर्डर पर। ये शंभू बॉर्डर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर किसानों द्वारा बचते किसान नजर आ रहे हैं आंसू गैस के गोले से। दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं किसान, बॉर्डर को सील कर दिया गया है। वहीं शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग कर कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें शंभू बॉर्डर से। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान बचते बचाते भागते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए पूरी कार्रवाई की गई है, सारे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और किसानों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान बचते बचाते भागते हुए नजर आ रहे हैं।
तंबू बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों को रोकने के लिए पूरी कार्रवाई हुई है। हर तरीके के प्रयास पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिसके चलते शंभू बॉर्डर पर देखने को मिला है जहां पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं और लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, उसके बावजूद किसान डटे हुए हैं और दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। किसान आंदोलन के बीच किसान नेता सरवन सिंह पंधीर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार से हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सरकार खुलकर बात ही नहीं करना चाहती। हमें गोली मार दी जाए लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है। अजय लगता उन्हें भी हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है। जो हमने देखा, देखिए सीधी सी बात, बहुत आसान बात है, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, वो कह रहे हैं इसमें मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, सीएसीपी एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता, वो सारी डिटेल्स ले लेता है। वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है, हर 6 महीने बाद गेहूं हो, धान हो और चीजें हैं उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं। कुछ 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 फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दें भी आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए, हमने बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत है ही नहीं है। तो इससे वो बिल्कुल, उसका जवाब उनके पास नहीं था। आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। हमने ये भी बोला, मान जो प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कहा था एमएसपी गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है। और 2018 में तत्कालीन खेती बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है जिन्होंने कहा था C2+50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे, उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर, सरकार का पक्ष भी सुना, जो पीएल डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना और निर्णय किया कि एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा, हमने कहा आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आपको दिया, 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था जिससे हम निराश हुए हैं कि सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। C2-50 के ऊपर भी उनका कोई निर्णय है, किसान मजदूर के कर्ज के बारे में बोलने मालूम करना पड़ेगा कितना है भाई, ये बैंकों का काम है, 10 मिनट का काम है। भारत सरकार चाहे डेटा 5-4 दिन में कलेक्ट करके दे सकती है, कौन सी बड़ी बात है। हम कहते चलो डेटा भी नहीं, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हम किसान मजदूर का कर्ज माफ करेंगे, नोटिफिकेशन कीजिए कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो मीटिंग चसी सारी वार्ता उन मीटिंग में हमने सब कुछ वहां बोला है, सब कुछ कहा है। इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से, सरकार गोली मारे लाठी बरसाए सहेंगे दिल पर, ठीक है, आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ। हमारी ओर से उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। दूसरा, हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए,